चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नंबर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होते हैं, बाइनरी क्या होता है, हेक्सा क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, बाइनरी को हेक्सा कैसे बदलते हैं, हेक्सा को बाइनरी कैसे करते हैं, हेक्सा को डेसिमल कैसे कहते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे करते हैं, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे करते हैं, ये तमाम तरह के क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में कन्वर्जन होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आते हैं। जो कि आपका नंबर सिस्टम एक आपके मैथ में भी चैप्टर है जिसे नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका जोड़ घटाना गुणा भाग और तमाम तरह की चीजें क्या होती हैं, प्रतिशत का जोड़ भिन्न का जोड़ तमाम तरह के होते हैं, ये सारे आपके मैथ में भी होते हैं। लेकिन यहाँ जो आपका नंबर सिस्टम होगा ये कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, यानी कि कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम है वो होगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कंप्यूटर के नंबर सिस्टम। कंप्यूटर नंबर सिस्टम में जानेंगे कि ये होता क्या है और ये कितने प्रकार से होते हैं, और इसमें से दो हम एग्जांपल भी करेंगे, बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में बदलना और डेसिमल को बाइनरी में बदलना और बाइनरी को डेसिमल में बदलना। ठीक है, दो कन्वर्जन भी हम लोग देखेंगे, बाकी जो भी इसका एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट बनेगा ये एक वीडियो के बाद, यानी कि इस वीडियो के बाद हम उसका नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे। ठीक है, इस बात का माफी चाहते हो दोस्तों कि वीडियो थोड़ा लेट से आता है, कंप्यूटर आपका जो भी कंप्यूटर के टॉपिक है लेट से आने का कारण है कि हमारे पास बहुत व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है और लोकल एरिया है जिसके कारण हम बहुत व्यवस्थाएं भी नहीं दे पाते, लेकिन कोशिश करें कि सारी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है, हम ऑन टाइम आपको हमेशा देते रहेंगे वीडियो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस अपने टॉपिक को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सभी को जी में। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम, हमारी पूरी तरीके से एक हेडिंग पड़ी हुई है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, सिस्टम का मतलब एक तरीका या कह सकते हैं कि ढंग होता है, तरीका या ढंग। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर नंबर सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं। तो कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो होता है एक मैथमेटिक मेथड होता है, कंप्यूटर में मैथमेटिक मेथड होता है जो क्या करता है कि कंप्यूटर के किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन या डाटा को, अब इंफॉर्मेशन या डाटा क्या होता है नहीं जानते तो हमारी पिछली वाली वीडियो आप लोग देखिएगा जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट बताया था, इंट्रोडक्शन से लेकर के उसका पीढ़ी तक लेकर के प्रकार से लेकर के उसमें सारी चीजें बताए थे, प्रोग्राम क्या होता है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, सब बताए। ठीक है, अभी हम नंबर सिस्टम जानते हैं। तो कंप्यूटर नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम एक मेथड होता है, यानी कि मैथमेटिकल एक क्या मेथड होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या करता है कि किसी प्रकार के डाटा या इंफॉर्मेशन को उसे क्या करता है, कोड में बदलता है। क्या करता है, कोड में बदलता है, यानी कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम एक प्रकार का मैथमेटिक मेथड है जो किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को या फिर डाटा को, कंप्यूटर के किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन या डाटा को क्या करता है, उसे कोड में बदलता है। और यही कंप्यूटर के अंतर्गत डाटा को कोड में बदलने की प्रक्रिया कंप्यूटर में नंबर सिस्टम कहलाती है। ठीक है, नंबर सिस्टम कहलाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस प्रणाली से कंप्यूटर के संख्याओं को लिखा जाता है और उसका मान निकाला जाता है उसे कंप्यूटर का नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हम कंप्यूटर में क्या करते हैं कि कोई भी चीज इनपुट करते हैं, इनपुट का मतलब जो हम भेजते हैं। ठीक है, जिसे प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में डाटा जो कुछ दिया जाता है वो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है। अब इनपुट डिवाइस क्या होती है इसका भी हमने एक वीडियो बहुत पहले का बना के दिया हुआ है कि ये इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आती है, कौन कौन सी डिवाइस उसके अंतर्गत मुख्य रूप से काम करती है, सारा सब कुछ उसमें हमने आपको दिया है। ठीक है, यदि नहीं देखे तो लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर के वहां पे जरूर देखिएगा कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो कुछ हम इनपुट डिवाइस इनपुट में क्या करते हैं भेजते हैं, क्या करते हैं उसको भेजते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर इसको समझता किस रूप में, समझता है किसको, समझता है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि बाइनरी यानी कि द्विधारी नंबर सिस्टम में समझता है। तो कंप्यूटर की जो बाइनरी नंबर जो होती है ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, ऐसा भी कहा जाता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बाइनरी होती है। और ये बाइनरी होती है आपका 0.1 होती है, 0, क्या होती है 1 होती है। ठीक है, 0.1 को कंप्यूटर का बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, जो कि कंप्यूटर जो कुछ भी इनपुट करेंगे वो इसी रूप में उसको क्या करेगा, समझता है, इसी रूप में क्या करता है, लेके जाता है। और जब लेके जाता है तो क्या नाम है कि उसके परिपथ में क्या होता है, एक धारा प्रवाहित होने लगती है जहां आपका 1 का मतलब होता है, यानी कि इसका मतलब होता है स्विच ऑन से होता है। ठीक है, स्विच ऑन से होता है, स्विच ऑन से, ठीक है, स्विच ऑन से होता है। और 0 का मतलब होता है ऑफ से होता है। ठीक है, 0 का मतलब
आप से होता है और वन का मतलब क्या होता है, आन से मतलब होता है, ठीक है, जिसके कारण यह कोड जाकर के ऑक्सी कोड में, ठीक है, ऑक्सी कोड में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। ऑक्सी कोड का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय मानक कंपनी द्वारा क्या किया गया था, रिलीज किया गया था, बनाया गया था इसको, ठीक है, इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। जो आपके ये द्विधारी नंबर सिस्टम होते हैं ये इस रूप में परिवर्तित बदल जाते हैं और ये फिर क्या करता है, उसे नंबर सिस्टम में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये नंबर सिस्टम एक तरीके के नंबर सिस्टम ही नहीं बल्कि कंप्यूटर में एक तरीके से क्या होते हैं, संकेत होते हैं। यानी कि जब हम कंप्यूटर से ए दबाते हैं या फिर वी दबाते हैं या फिर सी दबाते हैं या फिर डी दबाते हैं या फिर हम कोई भी चीज दबाते हैं, चाहे सिंबल हो, चाहे नंबर हो, चाहे अक्षर, चाहे कोई भी हो, वो संकेत के रूप में आपके 0, 1 के रूप में क्या होते हैं। अब ये जो इस रूप में जब बदलता है होता है तो ये इसको कोड में क्या करता है, बदलता है, और उसके बाद फिर क्या करता है कि इस जो आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ऑलरेडी होते हैं क्या, ट्रांसलेटर। वो ट्रांसलेटर क्या होते हैं, देखिए हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, जावा क्या होता है, पीएचपी, पाइथन, ये सब क्या होते हैं, ड्राइवर कैसे बना, सारी चीजें आपको उसमें बताए थे। यदि आप नहीं देखे सारे वीडियो हमने अपने चैनल पे दे दिया, पहले से थ्योरी दिया है, पूरा थ्योरी दिया है, क्वेश्चन भी बताया है, थ्योरी भी दिया है, बहुत सारी चीजें उसमें आपको बताई गई है, ठीक है, आप वहां से जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। तो आपके सिस्टम में होता है ट्रांसलेटर, जो सॉफ्टवेयर में पहले से रहता है वो इसको कन्वर्ट कर लेता है आपके भाषा में, यानी कि जिसको आप स्क्रीन पर ला करके देखते हो। तो अब यह प्रक्रिया कंप्यूटर में बहुत तेजी से होती है। हमने बीच में बोला कि यह नंबर नहीं बल्कि एक तरीके का संकेत होता है कंप्यूटर, एक तरीके का संकेत का मतलब कि ए बी सी डी ई एफ जी करके लिख जाए 26 तक, या फिर आप स्मॉल में भी लेके जा सकते हैं, इसको स्मॉल में भी लेके जा सकते हैं, ऐसे स्मॉल में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, कैपिटल में भी लेके जा सकते हैं, स्मॉल में भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो दूसरी बात आपको दोस्तों, जो आपका एएससीआई होता है इसमें 0 से 256 तक के कोड होते हैं, जिसमें से 0 से लेकर 127 तक का क्या होता है, जो ऑक्सी कोड होता है, यानी कि ऑक्सी जो होता है इसके लिए होता है, ठीक है। बाकी जो आपके होते हैं वो कन्वर्जर आप नंबर सिस्टम के लिए होते हैं, जिसमें वो कन्वर्ट होकर के एक दूसरे से क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब हम देखिए हमने आपको क्या बताया कि नंबर सिस्टम होता क्या, आप इतना बहुत सारी चीजें नहीं याद रखेंगे, बस इतना रखेंगे कंप्यूटर में नंबर सिस्टम एक तरीके का मेथड होता है, मैथमेटिक मेथड होता है, जो किसी प्रकार के डाटा या इंफॉर्मेशन को उसे क्या करता है, कोड में बदलता है, और यह डाटा या इंफॉर्मेशन को कोड में बदलने की प्रक्रिया आपके कंप्यूटर सिस्टम के नंबर सिस्टम कहलाती है। बस इतना आप याद रखिए, या फिर कह सकते हैं कि जिस प्रणाली से कंप्यूटर के संख्याओं को लिखा जाता है और उसी प्रणाली में उसका मान निकाला जाता है, उसे कंप्यूटर का नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है, ये चीज है, उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का नंबर सिस्टम कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, हम ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम के प्रकार कितने होते हैं। देखिए तो पहला जो आपका होता है, एक आपका होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि आप पहले से ही जानते होंगे कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ये कंप्यूटर सिस्टम, आप पहले देखिए 0, 1 इसी को क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं, इसमें जब भी कोई वैल्यू आएगी वो 0, 1 ही आएगी, चाहे कोई भी वैल्यू आए। कंप्यूटर में एक आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है और एक आपका होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, जिसमें 0 से लेकर के क्या होते हैं, 7 तक की संख्या होती है, और एक आपका होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्या होती है, और एक आपका होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम होता है जिसमें 0 से लेकर के 15 तक की संख्याएं होती है, ठीक है। हम 4 प्रकार के नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, एक बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है और हेक्सा क्या होता है, हम चारों के बारे में सीखेंगे। पहले जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर में एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें 0 से लेकर 1 यानी कि 2 डिजिट की संख्या आती है, 1 0 1 0, 1 2 डिजिट की आती है, जिनका आधार होता है 2, क्या होता है, आधार क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, जिनका आधार 2 होता है, इसमें जब भी कोई भी डिजिट आएगा वो हमेशा इस
रूप में आएगा, जब भी आएगा कोई भी डिजिट हमेशा इसी रूप में आएगा, ठीक है। आप काउंट करेंगे तो ज्यादा आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ज्यादा आएगा, लेकिन डिजिट कितना है, 2 है, 0, 1, 0, 1 जो भी ये आएंगे तो 0, 1 के रूप में आएंगे, इसलिए इनका आधार हमेशा 2 रखा जाता है, ठीक है। अब एक आपका आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक की संख्या आती है, ठीक है। आधार इसका 8 होता है, जैसे में यानी कि कंप्यूटर में ऑक्टल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से लेकर 7 तक की संख्या आती है, आधार इनका 8 होता है। अब कैसे होता है, 0 से लेकर 1 तक लिखिए, 7 तक लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब 8वां इसका आधार होता है, जबकि नंबर सिस्टम का रूल होता है कि किसी भी नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू 0 होता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू 0 होता है, काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जबकि प्लेस वैल्यू 0 है, यहां से भी काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए इसका आधार 8 होता है। अब इसमें से कोई भी नंबर सिस्टम आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 2, 3 लिख लिया, ठीक है, तो 2, 3, 0, 1 में थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, इसलिए ये किसमें आएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आएगा। 6 और 7 ले लेते हैं, ये भी आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम में ही आएंगे। इसमें से कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर वो आपके 0, 1 के अलावा है तो वो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अलावा एक और नंबर सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 तक का होता है, आधार इसका 10 होता है। ये वैसे ही लिखा जाता है जैसे ऑक्टल को लिखा जाता है, अर्थात कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। आधार इनका क्या होता है, 10 होता है। काउंट करेंगे यहाँ से तो 10 होगा, ठीक है, यहाँ से काउंट करेंगे 10, यहाँ से काउंट करेंगे 9, ठीक है। जबकि हमने बताया कि प्लेस वैल्यू हमेशा उसका क्या होता है, 0 होता है। जब भी इसमें से कोई भी वैल्यू लिखी जाएगी, चाहे आपका 2, 7 ले लीजिए तो आपका ये 10 आएगा, जबकि आप कहेंगे कि 2, 7 तक इसमें भी आता है, तो बात इसकी चल रही है, ठीक है, बात इसकी नहीं, बात इसकी चल रही है। यदि आप 8 और 9 लेके आएंगे तब इसका क्या होगा, आधार 10 होगा, जबकि 8 और 9 ना तो आपके 7 ऑक्टल में आएगा, ना तो आपका किस में आएगा, बाइनरी में आएगा, इस सब में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद चौथा आपका होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 0 से लेकर 15 तक की संख्या होती है, आधार इसका 16 होता है, ठीक है। आधार इसका क्या होता है, 16 होता है, लेकिन इसमें शर्त होती है, शर्त यह होता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 15 तक की संख्या जो होती है, तो इसमें से 0 से लेकर 9 तक की संख्या को वैसे ही लिखा जाता है जैसे ऑक्टल और डेसिमल में लिखा जाता है। तो ऑक्टल और डेसिमल में आपने कैसे लिखा था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे रूप में आप लिखे थे, ऑक्टल में भी ऐसे लिखे थे, जबकि इसमें 9 के बाद भी यह 15 तक बताया जा रहा है, तो 10, 11, 12, 13, 14 और 15 यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, 15, ठीक है। तो अब इनको कैसे लिखा जाता है, जबकि आपको तो बताया गया है कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो आपके ये होते हैं, अभी अभी हमने पीछे बताया कि एक प्रकार का नंबर नहीं बल्कि एक तरीके के संकेत होते हैं, ठीक है, तो इन्हें लिखा जाता है ए और बी और सी और डी और ई और एफ के रूप में, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे आपका चलता है, ठीक है। तो हम इनको 10 11 12 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई और एफ। आप नंबर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर दे सकते हैं, बल्कि आप नंबर लिख सकते हैं या तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। काउंट करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, और वहां पे आपका 10, 11, 12, 13, 14, 15 उधर से गिनेंगे 15, इधर से गिनेंगे 16, ठीक है, आधार इनका क्या होगा, 16। अब इसके अंदर से कोई भी संख्या ली जाएगी, यदि हमने क्या दिया कि 2A3, तो 2A3 जो आपका ऑक्टल और डेसिमल में जाएगा, लेकिन ए नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए ये आपका क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा। यदि आपको कह दिया जाए कि 2D 2DA
और ई ऐसे, ठीक है। अब ये नॉर्मली आपको बताया जा रहा है, कोई निकालने का सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब ये भी आपका क्या जाएगा, हमेशा क्या जाएगा, आपका जाएगा किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जाएगा, ठीक है। आपको देखिए हमने चार बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें जीरो से लेकर के जीरो कामा वन की तक की संख्या होती है, यानी कि दो ही संख्या होती है, दो ही डिजिट होती है, दो ही संख्या होती है, इसलिए इनका आधार दो होता है। और एक आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जीरो से सेवन तक की संख्या होती है जिसका आधार आठ होता है। और एक आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसमें जीरो से लेकर के नाइन तक की संख्या होती है, इनका आधार क्या होता है, टेन होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें जीरो से लेकर के पंद्रह तक की संख्या होती है, आधार इनका सोलह होता है, ठीक है। जिसमें जीरो से लेकर के नाइन तक की संख्या को वैसे ही लिखा जाता है जैसे आप डेसिमल और ऑक्टल में लिखे थे या ऑक्टल और डेसिमल में लिखे थे, परंतु जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 हैं, उन्हें हम ए बी सी डी ई एफ से क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल के अंतर्गत दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, और कौन जो बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल ऑक्टल क्या होता है, और ऑक्टल के अलावा डेसिमल क्या होता है और हेक्सा क्या होता है, किस में नंबर सिस्टम में कौन कौन सी संख्या आएंगी, तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि बाइनरी कौन है, ऑक्टल कौन है, डेसिमल कौन है और हेक्सा कौन है। ये हमने आपको बताया कि जब भी जीरो कॉमा वन में आप जब भी जीरो और वन, जीरो और वन मिलेगा वो बाइनरी होगा, और जब भी आपका 2, 4, 3, 5, 6 जो भी होगा तो आपका ऑक्टल या डेसिमल होगा, और जब भी उसमें अल्फाबेट आ जाएगा तो अल्फाबेट से आप समझ लीजिएगा कि वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमेशा आपके अल्फाबेट के अंतर्गत रहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी कि हम यदि कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम लेंगे, उस डेसिमल नंबर सिस्टम को बदलेंगे किस रूप में, बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं इसका कन्वर्जन, ठीक है। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर, देखिए एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल हम पहला यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल किसी भी डेसिमल नंबर को, ठीक है, किसी भी डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर को हमें बदलना है किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। किसमें बदलना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करना है, बदलना है बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करना है, बदलना है। यहाँ पे कहीं चमक रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं स्पीक कर रहा हूँ, आप उसको सुनिएगा, क्योंकि इसको मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ये ना दिखे, तो थोड़ा सा कोशिश किया जा रहा है, हो सकता है कि सुधर जाएगा आने वाले किसी भी वीडियो से, जो कि आपका चमक नहीं दिखेगा, ठीक है। बहुत कोशिश किया जा रहा है लेकिन कहीं से भी कट ही नहीं रहा है थोड़ा सा। अब क्या बताया आगे, चलिए देखिए, ठीक है। कह रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना, कोई भी डेसिमल नंबर रहेगा हमारे पास उसको बाइनरी में बदलेंगे, और वही बाइनरी आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में होना चाहिए। यदि ये नहीं कि आप कोई भी डेसिमल ले लीजिए और बाइनरी बदल दीजिए और फिर बाइनरी को ले जाए तो डेसिमल में एक न करें, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे कि कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम लेंगे उसको बाइनरी में बदलेंगे, और उस डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदल करके पुनः फिर को बाइनरी को हमको डेसिमल में लेके आना होगा, अर्थात वही डेसिमल हमें मिलना चाहिए जो हमने बदला था उसको बाइनरी में, तब तो हमारा ये एग्जांपल क्या होगा, सही होगा, नहीं तो वो गलत होगा, ठीक है। ये चीज है, तो देखिए किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलने के लिए क्या करते हैं, कि किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में बदलने के लिए डेसिमल बाइनरी नंबर में बदलने के लिए डेसिमल के संख्या में बाइनरी के आधार दो से क्या करते हैं, भाग देते हैं। बाइनरी के आधार दो से डेसिमल नंबर में भाग देते हैं। जैसे मैं देखिए हमारे पास 2 और 7 है, ठीक है, ये आपका डेसिमल है और आपको लाना किसमें है, बाइनरी में लेके आना है, ठीक है। तो अब किसी भी प्रकार के डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलने के लिए बाइनरी के आधार दो से डेसिमल नंबर में भाग देना है। भाग देने पर बचे शेषफल एवं अंतिम भागफल के संख्या को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखने पर आपका क्या कहलाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम हो उसको बाइनरी में बदलना है, तो बाइनरी के दो से उसमें भाग देंगे, और भाग देने पर जो शेषफल बचेगा और लास्ट में जो अंतिम भागफल बचेगा उसे नीचे से ले जा करके ऊपर के क्रम में लिखेंगे, और जो लिखेंगे वही संख्या क्या कहलाएगी, कंप्यूटर के बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाएगा। जैसे आप देख लीजिए हमने 2
और 7 लिया है, इसको हमें बदलना है क्या, इसको हमें बदलना है बाइनरी में। तो ये मेरा तरीका है कि आप इस तरीके से क्या करेंगे, नंबर को लिख लेंगे, लिखने के बाद ठीक है, लिखने के बाद 2 से इसमें भाग देंगे, भाग देने पे जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे ठीक है, और जो आएगा वो नीचे लिख करके फिर उसको भाग देंगे। ये तब तक देंगे जब तक कि भाग खत्म ना हो जाए। सबसे आसान तरीका है कि जो विषम संख्या है ना, ये जितने भी डेसिमल नंबर में विषम संख्या आएगी, जो 2 से भाग देना है आपको, उसमें आप क्या करिएगा, 1 पहले लिख दीजिएगा ठीक है, क्योंकि 1 बचेगा ही ठीक है। आप भाग दीजिए इसमें, देखिए तो आपका क्या होगा, 2 एकम 2 होगा और ठीक है, और आपका फिर यहाँ पे देखिए 7 बच गया ना ठीक है, 7 बचा ठीक है, तो आपका क्या होगा, 2 3 6 होगा ठीक है, तो आप एक बैलेंस निकालो, 26 बचा तो सॉरी 13 दुना के 26, 2 3 6 हुआ 13 दुना के 26 ठीक है। अब फिर आप 2 से भाग दीजिए इसमें, तो आपका क्या होगा ठीक है, फिर 1 बचेगा, आपका 12 बचा ठीक है, तो 6 दुना के 12 होगा, है वो कि नहीं होगा। फिर देखिए आपका यहाँ पे क्या, हमने बोला था कि जब भी कोई विषम संख्या आएगी आप 1 बार कर दीजिएगा हमेशा ठीक है, तो आप अब 6 को काटिए तो यहाँ पे 0 बचेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, फिर आप इसको काटिए तो देखिए आपका ये जाएगा ठीक है, 1 यहाँ बच जाएगा और ये 1 बार इसमें चला जाएगा। हमने क्या कहा था कि बचे शेषफल एवं अंतिम भागफल को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखना है, नीचे से ऊपर के क्रम में क्या करना है, लिखना है, और इन लिखी गई संख्याएं क्या कहलाती, कंप्यूटर का बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाती। क्या बचा, 1 यानी कि 1 1 0 1 1। अब ये आपका देखिए आया बाइनरी नंबर सिस्टम में, आया कि नहीं आया ठीक है, ये देखिए 1 1 0 1 1 और 1 1 0 1 1 किस में आता है, बाइनरी में। ये सही है कि नहीं सही है ये चेक करना है ठीक है। हमने तो काट दिया कि क्या इसको फिर जोड़ने पे 27 आएगा, 27 हमको लेके आना है ठीक है। तो देखिए आप डेसिमल को चेंज कर दिए बाइनरी में, लेकिन इन्हीं बाइनरी को चेंज करिए किस में, डेसिमल में। यदि ये सही है तो ठीक है, नहीं है तो गलत कटा, या फिर आप दूसरा फिर से काटिए, कोई दूसरा तरीका लीजिए ठीक है। देखिए हमने देखिए आपको डेसिमल से बाइनरी में बदला, अब इसी बाइनरी को हम बदल देते हैं किस रूप में, डेसिमल में, किस रूप में, डेसिमल में। और किसी भी बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए, किसी भी बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए बाइनरी नंबर को एक क्रम में क्या करते हैं, लिख देते हैं, क्रम में लिख देते हैं, ऐसे क्रम में लिख देते हैं। क्रम में लिखने के बाद, सॉरी यहाँ पे 1 ठीक है, क्रम में लिखने के बाद, क्रम में लिखने के बाद बाइनरी पर कोड क्रमशः, बाइनरी पर कोड क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे डॉट डॉट या 9 ठीक है, यानी कि इसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्या, तो ये आपका वहां तक जाएगा ठीक है। और हमने कहा कि किसी भी बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए बाइनरी को एक क्रम में लिख देंगे, लिखने के बाद बाइनरी के कोड क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनके ऊपर घात करके आपस में गुणा करके जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाएगी, कंप्यूटर की डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि हम इसके इधर से दाहिने तरफ से करेंगे, यानी कि 0 और ये आपका 1 और ये आपका 2 और ये आपका क्या हो गया 3 और ये आपका क्या हो गया 4। अब 2 पर घात कह रहा है, 2 पर घात यानी कि 2 के पावर 4 गुड़े 1 हो गया ठीक है, और 2 के पावर 3 हो गया गुड़े 1 हो गया ठीक है, और 2 के पावर 2 हो गया गुड़े 0 हो गया, और 2 के पावर 1 हो गया गुड़े 1 हो गया, और 2 के पावर 0 हो गया गुड़े 1 हो गया ठीक है। अब देखिए इसका करेंगे तो कितना आएगा, इसका करेंगे तो 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 गुड़े 16 ठीक है, और इसका करेंगे तो 8 होगा, इतना वर्ग आता होगा, और इतना आपका ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 होगा। और आपको मैथ में बताया गया होगा, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, बहुत पहले का मैं जानता हूँ कि जब किसी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ये पहले बताया गया होगा, अब कैसे होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जब किसी संख्या के पावर 0 होता तो उसका मान 1 होता, तो 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या जोड़ लेंगे, तो 16 4 20 4 24 24 2 26 और 1 आपका 27, अर्थात कि हमने जो निकाला था बाइनरी नंबर सिस्टम 27 का, वो सही निकाले थे, गलत नहीं निकाले थे ठीक है। तो आप जब भी किसी भी प्रकार के
डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी इस रूप में बदलेंगे तो उसको तुरंत आप बाइनरी को डेसिमल में इस रूप में बदल लीजिएगा, और जब आप बदल लेंगे और जब बदल लेंगे और वे सेम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो सही है, अन्यथा वैल्यू आपकी कभी कभी चेंज भी हो जाती है। लोग इस तरीके से भी निकालते हैं, ऐसे भी करके लोग निकालते हैं, इस तरीके से भी क्या करते हैं, ऐसे भी लोग करके निकालते हैं, इसे कहते हैं स्थानीय मान, ठीक है, ऐसे भी लोग निकालते हैं। ठीक है, सिंपल तरीका आपको बताया हूँ कि नॉर्मली आप सब पे क्या करेगा, इस संख्याओं को दाहिने तरफ से रखिएगा और उस पे दो पर घात लगा दीजिएगा, आपस में गुणा करके जोड़ दीजिएगा, वो आपका डेसिमल नंबर मिल जाएगा, जो करेक्ट है तो, नहीं करेक्ट है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, ये तो हमारा क्या था, बाइनरी का डेसिमल का बाइनरी और बाइनरी का डेसिमल एक साथ दो चीजें बताया मैंने आपको। ठीक है, अगला देखिए एग्जांपल आपका इसमें दिया हुआ है 17। ठीक है, 7। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, ये भी आपका डेसिमल है, बाइनरी में करना है। ठीक है, बाइनरी में क्या करना है, चेंज करना है। तो मैंने सीधे सीधे बताया कि जब भी आपका कोई भी ये विषम संख्या होगी तो एक बार कर लीजिएगा, 16 आ जाएगा, 8 से काट देंगे, फिर काट देंगे तो ये आपका 0 बचेगा, 4 से कट जाएगा, फिर काट देंगे तो 0 बचेगा, ठीक है, आपका कितना 2 से जाएगा। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से हो पाएगा। ठीक है, आप यहाँ से 0 और 111 क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका डेसिमल नंबर है सिस्टम कहलाएगा। आप उस तरीके से कैलकुलेट करके देख लेंगे, यदि आपका ये 17 आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो गलत है, ठीक है, नहीं तो सही कटाए तो। ठीक है, ये चीज है। तो नॉर्मली आप इस तरीके से किसी भी प्रकार के नंबर, किसी भी कोई नंबर सिस्टम हो, आप उसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, जब काट देंगे तो आपका क्या करेगा, ऑटोमेटिक बाइनरी नंबर सिस्टम निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम एक और लिख देते हैं 210, यह आपका क्या हो गया, डेसिमल नंबर, और निकालना हमको क्या, बाइनरी। अब हम इसको फिर निकालेंगे किस रूप में, इस रूप में। ठीक है, अभी आप काट देंगे तो आपके हिसाब से 15 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप 2 से काटेंगे तो 2 1 2 होगा, ऐसे आपका यानी कि 105 होगा, है ना, 105। तो आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, और फिर आप इसको काटेंगे 2 5 10 होगा। ठीक है, और 2 2 के क्या होगा, 2 2 के आपका 2 5 10, यहाँ पे 5 होगा, और 2 2 के क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर आप इसको काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिर 2 2 के 4, यहाँ पे 12, 6 2 के 12, फिर आपका क्या, यहाँ पे 52 कट गया तो आपका 0 बचेगा, फिर इसको काटेंगे आप, ठीक है, तो 13 होगा। ठीक है, और फिर आपका ये, फिर इसको आप काटेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 1 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, और फिर आप इसको काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 1 इसको काटेंगे। ठीक है, फिर इसको काटेंगे तो आपका कितना बार जाएगा, देखिए इस तरीके से आपका आसानी से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो आप नीचे से ऊपर के क्रम में 111 लिखिएगा, 010 ऐसे आप लिखिएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, कंप्यूटर का बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाएगा, कंप्यूटर का क्या कहलाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाएगा। इसी तरीके से हम और देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक और देख लेते हैं कि वो कैसे आपका निकलता है। तो वो देखिए, एक आपका दिया गया इसमें 165, ठीक है, सॉरी केवल 65 दिया हुआ है, केवल 65। ठीक है, यहाँ पे आपका केवल 65 दिया, इसको हमें क्या करना है कि बाइनरी में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 65 को लिख लेंगे, और इस तरीके से तो हमारा वो वाला फॉर्मूला याद रखिए, ये विषम है तो एक निकाल लीजिए, 64 बच गया, नहीं बच गया। ठीक है, तो आप अब इसको काटिए, 64 बच गया। तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस जब बच गया तो देखिए आप वैसे भी काट सकते हैं। ठीक है, 3 2 के 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचा क्या, 2 2 के 4। ठीक है, 2 2 के 4, तो 32 2 64 होता है। ठीक है, अब फिर काटिए इसको, 16 2 32 होगा। ठीक है, 16 2 32 होगा, आपका कितना बच जाएगा, ये 0 बच जाएगा। फिर आप इसको काटिए, 8 से कट, फिर ये 0 बचेगा। ठीक है, फिर काटिए, आपका ये 0 बचेगा, 4 से कटेगा, फिर आप काटिए, 0 बचेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे फिर लास्ट में आपका ये बचेगा, देखिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे 0 और कितना 0 हो गया आपका, 1 2 3 4 5 0 हो गया, और ये 1। ठीक है, ये आपका कट जाएगा इस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, यानी कि देखिए इस तरीके से आप आसानी से कटता हुआ क्या होगा, चला जाएगा। अब वापस आप ऐसे फिर क्या करेगा कि 0 1 2 3 4 5 ठीक है 6
फिक्स कर लीजिएगा, आपका 7.65 मिल जाएगा। ठीक है, 65 आपका मिल जाएगा, आसानी से आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या था, डेसिमल को बाइनरी में बदलना, डेसिमल को क्या था, बाइनरी में बदलना। अब हम देख लेते हैं किसी भी संख्या को, कि कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम है, कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है, उसे हमको क्या करना है कि डेसिमल में बदलना है। क्या करना है, डेसिमल में, यानी कि बाइनरी से ज्यादा किस में, डेसिमल में। ठीक है, तो हमने अभी अभी इसके पीछे जो मैं मतलब कि डेसिमल से बाइनरी में गए थे, ठीक है, तो हम उसी में आपको ये बता दिए थे, लेकिन फिर अलग से देख लीजिए इसको। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के जो बाइनरी है उसको डेसिमल में बदलने के लिए बाइनरी को एक क्रम में लिख लेंगे। क्रम में लिखने के बाद जो डेसिमल होगा, ठीक है, जो डेसिमल होगा उसको क्या करेंगे, दाहिने तरफ से क्या करेंगे, उस पे रखेंगे, और जो रखने के बाद दो पर घात करके उनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक संख्या दिया गया है, ठीक है, यानी कि 1011 और 010 ये दिया गया है। ठीक है, ये बाइनरी है, निकालना किस रूप में है, डेसिमल। कहा जा रहा है कि किसी प्रकार के बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए बाइनरी नंबर में क्रमशः का मतलब आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे डाटा, ठीक है, करके आपस करके दो पर घात करके आपस में गुणा करने पर और गुणा करके जोड़ने पर प्राप्त संख्या आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 6 हो गया ये, अब इन पर दो पर क्या करेंगे, घात लगा देंगे। कौन सा घात, ये बाइनरी वाला। ठीक है, अब इनको आपस में ऐसे हम रख लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, या तो जितने जीरो वाले इसको हटा लीजिए, क्योंकि जीरो का मतलब फिर वैसे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, 2 के पावर 4, और फिर ऐसे हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका ऐसे हो जाएगा 2 के पावर 1 हो जाएगा, और फिर गुड़े ऐसे हो जाएगा, और 2 के पावर आपका 0 हो जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, ये आपका था जब 4 तो 16 हुआ था, अब यहाँ पे 32 यानी कि 64 होगा। ठीक है, 64 होगा, ठीक है, और ये आपका 16 होगा, ई आपका 8 होगा, ई आपका 2 होगा और 1 होगा। अब जोड़ लीजिए इसको, ठीक है, 2, 1, 3 और 8, 11 और 6 आपका 17। ठीक है, 17 और 4 आपका होता है 17 और 4, 21। ठीक है, 1 बचेगा, ठीक है, और 2 अभी यहाँ पे है, ठीक है, 7 और 6 और 1, 7 और ये 2, 9। ठीक है, 91 जो आएगा ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। अब ऐसे ही आप इसको काट लीजिए, इस रूप में ऐसे काट लीजिए, यदि ई वाली डिजिट प्राप्त होती है तो, ठीक है, ये डिजिट प्राप्त होती है तो ई सही आया है, और ये डिजिट नहीं प्राप्त होती तो कहीं ना कहीं क्या होगी, दिक्कत है, गड़बड़ी है कैलकुलेशन में। ठीक है, ये चीजें वैसे ये प्राप्त हो जाएगा यदि आप काटेंगे तो। ठीक है, आप कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम ले लीजिए, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अगला जो बाइनरी नंबर सिस्टम देखिए, अगला जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो आपका देखिए, हम ले लेते हैं 1011, 1011, ठीक है, 011 ये ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे अब यह आपका निकालना है क्या, डेसिमल। हम बताए थे वैसे ही आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बात वही पड़ जा रही है, लेकिन फर्क है कि इसमें जीरो की संख्या बहुत कम है ना, जीरो की संख्या कम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो पर क्या करिए, घात लगा दीजिए, ऐसे सब पे दो पर घात हो गई। ठीक है, और इसका जो मान होगा, हमने इधर ही कहीं लिखा था 64। ठीक है, और ये आपका 0 हो जाएगा, हटा दीजिए, 16 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, इसको भी हटा दीजिए, उस साथ यही सब संख्या लिख दिए थे क्या, फिर 91 आएगा, 0, 1, 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, फिर तो इसे 91 ही आएगा, वही नंबर लिखा गया था। ठीक है, दूसरा नंबर देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं, चलिए मिटा देते, वही नंबर वापस रिपीट कर दिया गया था, 00 था, उसमें 1, 1, 0 लिखा गया था, 00 था और 11 था, फिर 0 ऐसे था, ये चीज था। ठीक है, हमने 1, 1, 0 लिखा था, अब ये सही है। ठीक है, यह आपका बाइनरी है और यह आपका क्या है, डेसिमल है। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे
ठीक है, ऐसे इस तरीके से देख लेंगे, छ और सात, ठीक है। अब आपका देखिए यहाँ पे रख देंगे सब पे इस तरीके से, ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो जब देखिए अब ये आपका 2 के पावर क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और गुणे 1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि देखिए जब आपका 4 था तो 16 हुआ था, ठीक है, 32 और फिर 64, तो 64 दुना के कितना हो जाएगा 128, ठीक है। तो यहाँ पे 128, ठीक है, और उसके बाद ये 0 हो जाएगा, हटा दीजिए इसको भी, हटा दीजिए, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखिए 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 लिख लीजिए, और ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये आपका 2 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, ये इसके बाद 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सबको जोड़ दीजिए, जो जोड़ने पे आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। वापस पुनः जो भी आएगा आप उसको 2 से काट दीजिएगा, इस रूप में वो आपकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको क्या क्या बताया, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के अलावा, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकार में कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल से बाइनरी कैसे करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं, 2 कन्वर्जन बताते हैं, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है, कि डेसिमल को हेक्सा में, हेक्सा को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को कैसे हम डेसिमल बदलेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।